हाँ जी रखना, उसको खड़ा करेंगे तो ही। अच्छा, उसको खड़ा करके रखेंगे ना, और खुद भी नहीं बैठते चारपाई, खुद भी नहीं बैठते। चलना पड़ता है, अभी आपको बताता हूँ। देखिए जी, नंगे पाँव, नंगे पाँव चाहेंगे ऐसे, देखो नंगे पाँव। जय बाबे जी, तो देखो जी नंगे पाँव। बाबा जी, जैसे अभी नंगे पाँव चलते हो, ऐसे ही चलोगे ना सभी? तो आपका सातवां डे है? सातवां नहीं, पता नहीं लगा कब हो गया है ना जी सातवां दिन। पर चलो, जब भी मौका दिया सेवा का बाबा जी ने हमको, तो अच्छी सेवा का मौका ही दिया है ना जी। तो काफी अच्छा लगा आपसे मिलके, है ना जी। सो मेरी तरफ से आपको जय गुग्गा जहरवीर जी की, सदा ही जय, जय बाबे दी जी, है ना जी। तो आपका सफर आगे का भी अच्छा रहे, अब तक का भी अच्छा रहा होगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, है ना जी। तो आपका अच्छे से सफर रहे और आप अच्छे से अपने घर में वापसी कर लो, है ना जी। अब हम छोटे थे तब देखते आ रहे हैं, पर अब ये चीज कहीं ना कहीं कम हो रही है, कहीं ना कहीं ये चीज अब वो उस लेवल पे नहीं है जो पहले होता था। पर फिर भी आपको ये सब कुछ बताया, कैसे कैसे मेहनत करते हैं डमरू वाले और डोरू जैसे होते हैं ये। खासकर मैं आपको हिमाचल के बता रहा हूँ कि हिमाचल के हमारे एरिए में इस प्रकार से जो डमरू वाले होते हैं वो ऐसे ऐसे मेहनत करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी न्यू वीडियो लगा लो, ब्लॉग लगा लो। तो ये भाई लोग, भाई इकट्ठे हो जाओ सारे, कैसे हो आप सभी, ठीक हो? तो यहाँ पे हमें मिले हैं डोरू पार्टी वाले, है ना। तो आप कहाँ से हो? हम मरवाड़ी दो। अच्छा, तो अभी यहाँ पे इस घर में यहाँ पे बैठे हो ना जी, तो चले। हाँ चलो। तो भाई कोई चलते चलते रास्ते में कोई भी दिक्कत परेशानी कोई आती है? आती है? नहीं आती। अच्छा, ते है मतलब किन का छत है, कौन से बाबा जी के नाम का छत है ये? जहरवीर गुग्गा छत्री। अच्छा, जहरवीर जी के नाम का है ना। कहाँ से चला ये छत? ये दौलतपुर मरवाड़ी। दौलतपुर मरवाड़ी से चला है, और अभी कहाँ पे वहाँ पर अम्ब में, अम्ब अंदोरा रेलवे स्टेशन के पास है ना। काफी अच्छा लगा आपसे मिलके, आ जाओ फिर चलते हैं साथ में। Yeah.
कैसे हो आप? बस बढ़िया जी। तो आपका नाम क्या है जी? हाँ जी, रोशन लाल। तो बाबा जी आपके घर कहाँ पे है? अच्छा जी, तो आपका जो छत है मतलब ये कौन से बाबा जी के नाम का है? गुग्गा जारवी जी के नाम का है। तो बाबा जी कुछ बोलना चाहते हो वीडियो के जरिए, कोई मैसेज देना चाहते हो संगत को? तो ये संगत सारी है जो बाबा जी के लड़ लगी हुई है। तो कैसे कैसे आप चलते हो घर से, और जब चलते हो क्या क्या मुश्किलें आपके रास्ते में आती है? जब मतलब आप चलते हो घर से, तो जब चलते हो कैसे मतलब आपके जो छत जब उठते हैं ना गुग्गा जी के, मतलब जब सभी मंदिरों से उठते हैं, तो उसके बाद का पूरा सुनाइए कैसे कैसे आप चलते हो। मतलब वो जो 10 दिन रहते हैं आपके, तो पूरे पूरे बताइए कैसे आप स्टार्ट करते हो, क्या क्या दिक्कतें आती है रास्तों में? जब हम शुरू से निकलते हैं जी, तो सुबह अपने गुग्गा से आरती करके अपना छत उठा के, हाँ जी, गाड़ी करके सीधे मुबारकपुर आ जाते हैं। अच्छा, फिर आप मुबारकपुर में आते हैं? फिर 10 दिन आप हम मुबारकपुर में रहेंगे। अच्छा, आम्ब हो गए, मुबारकपुर हो गया, दौलतपुर हो गया, अच्छा, कवर हो गया, ये सारा कुछ आप इधर इन जगह पूरा कवर करते हो? ठीक है, जब हमारे 10 दिन पूरे हो जाएंगे, जब घर जाएंगे, छत उठाएंगे, अच्छा, तो अपने घर चले चले जाएंगे। तो जैसे आप 10 दिन में चलते हो, हाँ जी, तो पहले दिन से ही आप जो नंगे पैरी नंगे पांव चलते हो? सर, जो बाबा जी की मेहर है, जो भी करना बाबा जी के, जी बाबा जी की खातिर। जैसे आप चले हो नंगे पांव चले हो सभी, है ना, बाबा जी की मेहर है, हमें कोई दिक्कत नहीं। रास्ते में अभी इतना मतलब जो अभी जिस जगह पे आप हो ना, ये रेलवे स्टेशन है, पूरा बेला है ये, तो ये बेला है, कैसे आप चलते हो ना रास्ते में, है ना, सोचने वाली बात है। बाबा जी की, बाबा जी की मेहर है ना, देव हाँ, सात देवते हमारे साथ है। बाबा जी आपका नाम क्या है? आपका नाम बतन चंद जी, है ना जी। तो बाबा जी आपके मतलब घर में अभी आए हैं ये? अच्छा जी, तो आपको कैसा लगता है जब डमरू वाली मतलब जब आए? अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा, फिर हर एक साल आते हैं ना जब भी आते हैं? पिछले साल से। अच्छा, पिछले साल से आने लगे। अच्छा, तो फिर आपको भी क्या अनुभव मिला आज तक, मतलब खुशी होती है ना? खुशी के, अच्छा जी, दिन है, खुशी के दिन है। भाभी वैसे सोचने वाली बात है एक ना जी, जैसे चलते हैं है ना नंगे पांव चलते हैं, है ना जी, तो इनको कुछ मतलब है ना सब मेहर है, उसकी मेहर गुग्गे की मेहरबानी है, भगवान की कृपा, नंगे पैर चलते हैं। सही बात है जी, मैं 5-7 साल दिए काम में। अच्छा, आपने भी किया था? अच्छा अच्छा, मैं हम ना जाता जी। आपसे मिलके काफी अच्छा लगा, और देखते हैं थोड़ी देर दूर तक चलते हैं आपके साथ, है ना जी, फिर बताते हैं कैसे कैसे आप नंगे पांव चलते हो, है ना, कैसे आपकी मेहनत होती है ना जी, वो सब कुछ बताएंगे। तो फाइनली जी, संगत जी आपने देखा, आपको बताया, तो अब हम चलेंगे इनके साथ, थोड़ा आपको रास्ते में बताएंगे कैसे कैसे ये चलते हैं, मतलब नंगे पांव ये चलना एक सोचने वाली बात है। देखो कैसे इनका मतलब पूरा साथ देते हैं देवी देवता, तो बाजार भी जी देखिए कैसे इनका साथ देंगे, अब पूरा रास्ते में चलेंगे तो कोई सांप, आजकल आपको पता बरसात भी है, हमारे इधर बरसात का टाइम है, और ये डिस्ट्रिक्ट ऊना और अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन है जो, उसके पास मतलब हम ब्लॉग कर रहे हैं शूट, तो अभी बरसात का टाइम है, इन्हों आप देख सकते हो हर तरफ घास हो गया है, और फिर भी इन्होंने पैदल ही चलना होता है, तो सच में इनका बहुत ही एक मतलब वो है, मतलब एक अपना विश्वास और कैसे हिम्मत है, जो हिम्मत के साथ चलते हैं ये, तो चलो आपको बताते हैं, आप निकलते हैं यहाँ से। बाबा जी जय बाबा जी, जय बाबा, अब जा रहे हो? चलो अब देखते हैं कैसे कैसे आप सफर करते हो रास्ते में, ना जी, जय बाबा जी, चलो जी, क्योंकि आप जा चले हो, है ना, समझ लो, तो जैसे आपको समझ लो कि जैसे बाहर ज्यादा लग रहा है कभी, तो फिर वैसे क्या करते हो फिर, जैसे रेस्ट करनी हो कहीं? वैसे नहीं है ना, कहीं रखना नहीं इसको, है ना, इसको उठा के रखना, नीचे नहीं रखना, रखना तो इसको सिर्फ एक मतलब जैसे चारपाई होती है उसके खड़ा करके,
या बेंच के ऊपर? चार पाई अगर ऐसे रखी होगी ना, हाँ जी, तो नहीं रखना, उसको खड़ा करेंगे तो ही रखेंगे। अच्छा जी, उसको खड़ा करके रखेंगे ना, और खुद भी नहीं बैठते चार पाई? खुद भी नहीं बैठते, खुद भी आपको मतलब जैसे चेयर वगैरह होगी है ना, तो आपको वैसे नीचे भी नहीं बैठना आपने, है ना, जो छत उठाएगा है ना बंदा। इस टाइम बरसात का टाइम है, घास हर एक तरफ, और इनको चलना पड़ता है 10 दिन, इनको ऐसे ही चलना पड़ता है। अभी आपको बताता हूँ, देखिए जी, नंगे पाँव, नंगे पाँव चाहेंगे ऐसे ही। देखो जी, नंगे पाँव चलेंगे, देखो नंगे पाँव। जय बाबे, जय बाबे दी। देखो जी, नंगे पाँव बाबा जी, जैसे अभी नंगे पाँव चलते हो, ऐसे ही चलोगे ना सभी तो आगे जाना, ऐसे ही चलते हो ना हरी। चलो आगे भी देखते हैं ना। तो दोस्तों, ऐसे ही मतलब इनका स्ट्रगल रहता है, 10 दिन का सफ़र है, सो बहुत ही टफ होता है आजकल तो बंदा, मतलब आप देखते भी होंगे, वैसे हम पर्सनल लाइफ में मतलब आजकल तो ज़्यादा दूर तक भी नहीं चला जाता बंदा, बहुत ही मतलब आज के टाइम में और पुराने टाइम में बहुत अंतर था। आजकल कुछ भी काम करना हो, छोटे से छोटा काम करना हो, तो बाइकें हैं, साइकिल है, गाड़ियां हैं, है ना, तो आजकल तो इतना चला नहीं जाता पैदल। फिर भी देखो आज के टाइम में ये डोरू वाले हैं जो इतना पैदल सफ़र करते हैं अपना, सो एक सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। आप साथ में ही हो ना इनके, तो जैसे आज के टाइम में ऐसा नहीं हो गया है कि हम घर में भी देखते हैं, छोटे से छोटा काम करना हो है ना, तो हम साइकिल पे जाते हैं है ना, जा गाड़ियाँ चलती हैं ना, आज के टाइम में इतना पैदल चढ़ना है ना, ये नहीं मिलता है ना। सेवा करने की, सेवा तो चलो एक है, पर इसमें मेहनत भी है ना, जैसे आप पैदल जा रहे हो है ना, एक शरीर भी सेट रहेगा है ना, तो उसके लिए भी अच्छी बेनिफिट है ना, क्योंकि आजकल तो कोई भी काम करना हो, छोटे छोटा करना हो, तो साइकिल गाड़ियाँ चली है ना। सही बात है। आपको हमने बताया वीडियो बना के, तो जो डमरू होती है, डमरू वाले होते हैं, ऐसे मेहनत कर रहे हैं, आज भी जो इनकी मेहनत है ऐसे चली आ रही है, वो कहीं ना कहीं सही है। और आज के टाइम में आपको पता ही है कि वो पुराना टाइम था, जो वो डमरू सुनना मतलब क्या, कोई भी प्रोग्राम होते थे तब कितना मतलब आपको पता ही है पुराने टाइम में, अब हम छोटे थे तब देखते आ रहे हैं, पर अब ये चीज़ कहीं ना कहीं कम हो रही है, कहीं ना कहीं ये चीज़ अब वो उस लेवल पे नहीं है जो पहले होता था। पर फिर भी आपको ये सब कुछ बताया कैसे कैसे मेहनत करते हैं डमरू वाले और डोरू जैसे होते हैं, ये खासकर मैं आपको हिमाचल के बता रहा हूँ कि हिमाचल के हमारे एरिया में इस प्रकार से जो डमरू वाले होते हैं वो ऐसे ऐसे मेहनत करते हैं, और ऐसे ऐसे पूरे गाँव में इधर से उधर जाना। आज के टाइम में मैंने पहले भी बोला कि 5 मिनट भी बंदा अगर कोई काम हो तो वो 5 मिनट भी जाना हो तो साइकिल बाइक या गाड़ियों पर ही चलते हैं बंदे। सो कोई नहीं, आधे आधे। तो वो भी देखो जी, पुराने बुजुर्ग जो होते हैं वो ऐसे ही देखो, वो दाने और जैसे मतलब कुछ मतलब जैसे 10 या 20 या 50 या 100 या 200 या 500 ऐसे सेवा होती है जो डालनी होती है इनको, वो डालने के लिए आज भी कहीं ना कहीं बुजुर्ग है जो हमारे वो मेहनत कर रहे हैं। और कहते जी क्या चाल ठीक ठाक हो? तो बाबा जी आप और क्या बोलना चाहते हो, और कुछ संदेश देना चाहते हो आज? कुछ बोलना चाहते हो कि बस आप दिख रहे हैं गल बात चलो जी, साडा भी तुहाडे नाल सपोर्ट तुहानू है ना जी। तो बाकी ऐसे पूरा सफर है इनका, नीचे को जा रहे हो आप? चलो ठीक है जी। अच्छा पक्का ब्रो के निकलोगे? तो मैं बोलता नहीं तो निकलो हमारे उधर के, चलो नहीं तो हमारे उधर को अंदोरा वाली साइड को चलो आएंगे, उधर भी आएंगे, उधर भी आए आओगे? और बोलते पहले पहले तो आते थे आप ना? आते थे। इस बार तो टफ ही लग रहा आपका? ऐसे लग रहा है ऐसे ना। चलो देख रहे ना, आओगे तो उधर को टाइम भी हो गया ना पूरा, परसों वापसी है हमारे। अच्छा परसों वापसी आपकी? अच्छा आज आपका 7वां डे है? 7वां? नहीं पता नहीं लगा कब हो गया है ना जी 7वां दिन, पर चलो जब भी मौका दिया सेवा का बाबा जी ने हमको,
तो अच्छी सेवा का मौका ही दिया है ना जी, तो काफी अच्छा लगा आपसे मिलके है ना जी। सो मेरी तरफ से आपको जय गुग्गा जहरवीर जी की, सदा ही जय जय बाबे दी जी, है ना जी। तो आपका सफर आगे का भी अच्छा रहे, अब तक का भी अच्छा रहा होगा, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, है ना जी। तो आपका अच्छे से सफर रहे और आप अच्छे से अपने घर में वापसी कर लो, है ना जी। तो मेरी तरफ से आप सभी को जय बाबे दी जी, ठीक है जी, है ना।